हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। लोहा ही लोहे को काटता है, मगर इसके लिए जरूरी है कि आप जिस लोहे को काटना चाहते हैं उससे भी मजबूत लोहा ढूंढ कर ले आए। सियासत में ये थोड़ा अलग है, यहाँ वोट बैंक ही वोट बैंक को काटता है। अगर आपका वोट बैंक निश्चित है तो दूसरा उससे भी मजबूत वोट बैंक ढूंढ कर लाएगा, और वोट बैंक सिर्फ मुद्दों की भट्टी में ही मजबूत हो सकता है। इसलिए मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा गर्म रखा जाता है, क्योंकि इसी से वोट बैंक की मजबूती है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लेकर गुरुवार को देश भर में बवाल हुआ। कहीं बवाल शांतिपूर्वक था तो कहीं हिंसा भड़क गई। देश के कई राज्यों में धारा 144 लगाई गई, मगर इसके बावजूद प्रदर्शन जारी रहा। दिल्ली, यूपी, बिहार, कर्नाटक और भी कई शहर, कई राज्य नागरिकता संशोधन कानून का विरोध गुरुवार को हुआ। इसमें अलग अलग पार्टियों ने अपनी अपनी ओर से इसके खिलाफत की। सुबह तो विरोध शांतिपूर्वक रहा था, मगर अचानक ही दोपहर तक ये विरोध प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया। कई बड़े नेताओं को भी जेल में ठूंस दिया गया। शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से, जहां लाल किला इलाके में पुलिस ने धारा 144 लगा रखी थी और प्रदर्शन के लिए भी किसी को अनुमति नहीं दी गई थी। फिर भी कुछ लोग लाल किले की तरफ बढ़े। हालांकि पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, मगर धीरे धीरे गिरफ्तारी में बड़े बड़े नेताओं का नाम आने लगा। गिरफ्तार हुए नेताओं में CPIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम येचुरी थे। कांग्रेस नेता अजय माकन को तो परिवार समेत ही हिरासत में ले लिया गया। देखा जाए तो दिल्ली में पिछले 3 दिनों में ये तीसरी बार प्रदर्शन हो रहा था। हालांकि यहां जामिया और सीलमपुर जैसे हालात पुलिस ने नहीं बनने दिए। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में भी इस बिल का भारी विरोध प्रदर्शन लखनऊ में शुरू हो गया। सुबह से ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक लखनऊ में प्रदर्शन करते दिखे। पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहां धरने पर बैठ गए। हिंसा की सबसे पहली खबर भी इसी राज्य से ही आई। पहले संभल में प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बस को फूंक दिया। इसके बाद तो लखनऊ में कई जगहों पर गाड़ियों में ही आग लगा दी गई। पुलिस ने उपद्रवियों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े, मगर हालात लगातार बेकाबू होते रहे। यूपी की तरह कर्नाटक में भी सरकार ने पहले से ही धारा 144 लगा रखी थी, बावजूद इसके प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस ने पहले इतिहासकार रामचंद्र गुहा को हिरासत में ले लिया। यहां विरोध प्रदर्शन वामपंथी दलों ने बुलाया था। पुलिस ने अपनी सफाई में ये कहा कि प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, फिर भी दलों ने विरोध जता दिया, जिसके मद्देनजर ये पूरी कार्रवाई करनी पड़ी। बिहार में केंद्र सरकार की पार्टी गठबंधन की सरकार चला रही है, मगर यहाँ भी प्रदर्शन नहीं रोक पाया। यहाँ की राजधानी पटना में जन अधिकार पार्टी नेता पप्पू यादव ने बेड़ियां पहनकर नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यही नहीं, बिहार में कई जगहों पर ट्रेनें भी रोकी गईं। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 30 पर भी जाम लगा दिया। प्रदर्शन के समय सीएम नीतीश कुमार पटना में नहीं थे, वो गया में किसी यात्रा में थे। पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह के गृह राज्य गुजरात में भी इसे लेकर प्रदर्शन किया गया। यहां अहमदाबाद के लाल दरवाजा इलाके में कानून के खिलाफ नारेबाजी की गई। हालांकि गुजरात में हालात जल्दी ही काबू कर लिए गए। यहां पुलिस का कहना था कि प्रदर्शन करने वालों को कोई अनुमति नहीं दी गई थी, फिर भी वो लोग बाहर निकलकर प्रदर्शन करने लगे। देश भर में इस कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों के साथ साथ कई सारे पुलिस वाले भी इसमें घायल हो गए, मगर हालात लगातार काबू से बाहर होते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।